नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अति शिक्षक नियमितीकरण के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेके आया हूँ। तो क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश प्रति माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री। विषय है अतिथि शिक्षकों के हित में अन्य राज्यों हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ की तरह अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने बाबत श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक बहुत ही अल्प मानदेय पर विगत 14 वर्षों से सेवाएं देते आ रहे हैं, जिनको कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता है। जबकि हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी किया है, वर्तमान में जहां अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं उनके स्थान पर सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण से पद स्थापना नहीं की जाएगी। माननीय महोदय, सैकड़ों मंत्री, विधायक और सांसद अतिथि शिक्षकों के समर्थन में पत्र लिख चुके हैं। महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के हित में नीति बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने भला किया है। अतः माननीय श्रीमंत महाराज साहब से विनम्र निवेदन है कि अन्य राज्यों की भांति अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखकर आशीर्वाद प्रदान करें। मध्य प्रदेश के 50,000 अतिथि शिक्षक परिवार आपसे आशान्वित हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।